मान। दोस्तों जब भी पंजाब का ख्याल मन में आता है तो लहराती फसलें, नाचते झूमते लोग, शूरवीरों योद्धाओं की कुर्बानी की कथाएं और गुरबानी, सर्वत का भला मांगने वाली गुरुओं की गुरबानी मन में आती है। और पंजाब ने हमेशा देश को लीड किया है, पंजाब ने किसी भी संकट के मौके देश को नेतृत्व दिया है, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे आज़ादी के बाद हरे इनकलाब के रूप में, ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में, अन्य के मामले में, अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर करने का एक टास्क हो, तो पंजाब ने हमेशा लीड किया है। और पंजाब के लोग हंसने खेलने के लिए, खुले दिल के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर पंजाब के लोगों के आपसी भाईचारे, पंजाब के लोगों की अमन शांति और पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नज़र डाले तो पंजाबी किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करते। इतिहास गवाह है, जिसने भी पंजाब के सोशल भाईचारक सांझ को, जिसने भी पंजाब की अमन शांति को तोड़ने की रत्ती भर भी कोशिश की तो पंजाबियों ने उसका मुंह तोड़मा जवाब दिया। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो उसको हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने भारी बहुमत देकर हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। दूसरों के बेटों को ये कहना कि आइए हम ये करेंगे, हम ये गैर कानूनी काम करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, बहुत आसान है। मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए, बहुत पेरेंट्स के फ़ोन आए, माता पिता के फ़ोन आए कि जी आपने बहुत अच्छा किया, पंजाब में अमन और शांति रहनी चाहिए, इस मामले में हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारे बच्चे वो गलत बुरी संगत में ना पड़ जाएं। जबकि सरकार वो आई है जो बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल ऑफ एमिनेंस की, बच्चों को तरक्की और रोज़गार दिलवाने की बातें कर रही है। तो हमारे लिए प्राथमिकता किताबें हैं, हमारे लिए प्राथमिकता लैपटॉप और कंप्यूटर हैं, हमारे लिए प्राथमिकता कोई गैर सामाजिक हथियार नहीं है। तो मैं 3 करोड़ पंजाबियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान बहुत साथ दिया। पंजाब में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना या कोई एक कोई पत्थर या कंकर चलने की भी घटना की रिपोर्ट नहीं आई, इससे मेरा भी हौसला बढ़ा है कि लोग जो हैं वो शांति चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं और हमारी सरकार जो है नफरत की राजनीति नहीं करती, हम तो तरक्की की राजनीति करते हैं, हम स्कूलों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी जो है, ये मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ देशवासियों को, 130 करोड़ देशवासियों को, कि अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में हमारी पार्टी 100% सेकुलर पार्टी है। हम लोग किसी धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या नफरत के नाम पर कभी भी राजनीति नहीं करते और पंजाब की शांति और पंजाब के अमन के लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो लोग बुरी कंपनी में, बुरी संगत में फंस के पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे वो भी गलत है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शांति को तोड़ने का, ये आपकी गलतफहमी होगी। तो मैं एक बार फिर पूरी दुनिया में रहते पंजाबियों को भी आश्वासन दिलवाता हूँ कि मेरा
खून का कतरा कतरा मेरे दिल की एक एक धड़कन, मेरा एक एक सांस पंजाब के लिए धड़कता है, हाजिर है पंजाब के लिए मेरे खून का एक एक कतरा। और पंजाब जो है वो नंबर वन सूबा था और नंबर वन सूबा बनाएंगे, और पंजाब से लीड देश लेता था और लेता रहेगा। आज भी हमारे हज़ारों जवान जो हैं वो देश की आज़ादी को कायम रखने के लिए सरहदों पर अपनी अपना सीना तान के खड़े हैं, इस बात का हमें गर्व है। तो पंजाब की शांति को, पंजाब के पीस को, पंजाब की हारमोनी को अगर कोई टच भी करेगा, अगर कोई बिगाड़ने की सोचेगा भी, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये हमारा वादा है। और इसीलिए आपने हमें जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के आधार पर ही मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, पंजाब सेफ हाथों में है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो आपकी सुरक्षा का दायित्व उठाएगी और आपके बच्चों को पढ़ाएगी, बुज़ुर्गों को अच्छा इलाज देंगे, और तरक्की के नए नए जो है मौके वो पंजाब में पैदा होंगे, और पंजाब नंबर वन सूबा बनेगा। और देश हमारा, अगर पंजाब नंबर वन सूबा बनेगा तो देश पूरी दुनिया में नंबर वन देश बनेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।